तो ये गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के 5:20 हो रहा है और टेम्परेचर मैं बता दूँ, एक सेकेंड रुक जाओ, अभी थ्री है। अब माइनस में है या प्लस में है वो नहीं पता। नहीं नहीं रुकिए ना, हम देख रहे हैं। हाँ थ्री है, डायरेक्ट थ्री है। देखो माइनस है ना प्लस है ये। अरे टू हो गया, अरे टू हो गया। टेम्परेचर देखो ये 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है भाई। कप कपी पकड़ लिया है यहाँ पे, तो क्या बोलूँ मैं, इतना कप कपी पकड़ लिया ना कि अजीब सा लग रहा है, जैसे बहुत कसी क्या। यस ठंडा में मजा आ रहा है, ठंडा में मजा आ रहा है, ठंडा में कैसा लग रहा है। हाँ अभी 74 हो गया है यहाँ तो, अभी सोचो कि अभी क्या होगा अभी। अरे शायद अंदर पहने के लिए लेके आया था ना, हमर सब निकल जा। बाप रे, अरे डूबवा तो मैं कुछ पहने ना दिया, मोजा उजा कुछ ना, ऐसी ऐसी भाई बस बुला के जूता डाल भाग ऊपर। और अंदर में देखो सिर्फ ये बस अंदर से वो तो बन रहा है, उसको लगेगा अभी। अभी हाँ सभी लोग सोए हुए हैं, पता नहीं हम लोग उठे हैं अभी, बस बाथरूम जाना है, बाथरूम जाना है, ब्रश करना है बस। और हम लोग का टाइम हो चुका है, 6 बजे का टाइमिंग था, 6 बजने वाले हैं हम लोग निकलेंगे। और कल हम लोग लाजुंग पहुँच गए थे, डिनर ब्रेकफास्ट अभी सब कुछ इंक्लूडेड है ना भैया, लंच भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। और यहाँ पे रूम भी हम लोग का ट्रिप में ही बुक था, हर कुछ मतलब बुक की है। और हम लोग यंगथंग वैली जाएंगे, तो वहाँ से अगर 0 पॉइंट हम लोग को जाना है तो हम लोग को एक्स्ट्रा 400 पे करना था, 4000 हर मतलब मिला करके जितने भी आदमी उसके बीच में। तो हम लोगों ने कर दिया, वो पहले ही करना था। और सुबह के 6 बजे हम लोग को निकलना था, अभी 6 बजने वाले भी हैं। तो अभी हम लोग सभी लोग रेडी हो रहे हैं, ये देखो सभी लोग रेडी हो रहे हैं। क्या होगा बेल्टी में पढ़ना है, सभी लोग अभी रेडी हो रहा है, रेडी होंगे बस निकल लेंगे। बहुत ज्यादा ठंडा लगा, नीचे से क्या बोलते उसको, जैकेट और ग्लव्स लेना है, ग्लव्स लेना है या फिर रेंट करना है। तो ग्लव्स लेना है और जैकेट रेंट करना है। बूट लीजिएगा कि नहीं, बूट तो नहीं लेना है ना, बूट क्या है, बस तो बस इतना ही। ऊपर भी मिलता है बट हम लोग बट फिर भी हम लोग ना अभी ले रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, हाथ दर्द करने लगा बस हमने ना। मैंने कल ना कुत्ते के लिए मतलब यहाँ पे जो व्हाइट फर वाला था उसके लिए मैंने कुछ लिया था, पर्स रख लेता हूँ मैंने, बिस्किट लिया था, ब्रश लिया आया है और पेस्ट लेवे नहीं किया, ब्रश और जिविया बस और कुछ नहीं। लाने वाला महान आदमी कौन है, डूडू भैया, हमरा भिगला दिया है, कोई ठीक नहीं है, साला रख लिया होगा अपने, धो लेगा हमरा से। पेस्टो लागी उस लाइस से 10 रुपया के चलते वो दोस्ती भूल गया, बताओ। अभी सभी लोग रेडी हो गए हैं और देख सकते हो वही नॉर्मल जो कल पहन के आया था वही पहन लिया, बस ऊपर से बस यहाँ से जैकेट रेंट करना है। 100 रुपीज़ जैकेट का लग रहा है और ग्लव्स लोगे तो 50 रुपीज़। तो हम लोगों ने ना ग्लव्स खरीदने का ही सोच लिया। और ठंड बढ़ते जा रहा धीरे धीरे, फिर से मैं टेम्परेचर एक बार दिखा देता हूँ, हाँ वो दिखा दे, 2 डिग्री सेल्सियस हो रहा है अभी भी। मतलब इतना ठंड है ना कि अंदर आप बाथरूम में पानी अगर छू लोगे ना, गीजर काम ही नहीं कर रहा भाई, कोई नहीं नहाया आज झूठ नहीं बोलना है, आज कोई नहीं नहाया, बस सभी लोगों ने ब्रश किया है और अभी सब रेडी हो रहे हैं, क्योंकि 6 बजे का टाइम था, आज 6 से ज़्यादा हो गया ना, 5 अभी 3 मिनट बचा हुआ है। अभी एक बार दिखा देता हूँ आपको कि इन लोग से पूछ लेता हूँ कि हमें मजा आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा बर्फ भी पड़ा है ऊपर पहाड़ पे, अभी ऊपर ले जाके दिखाओ कैसा लग रहा है यहाँ ठंड में। बहुत मजा आ रहा है, न धोने को मिल रहा है, न बुरा ब्रश करने को मिल रहा है, पानी छूते ही पानी। आपको कैसा लग रहा है ठंड में भाई? बहुत मजा आ रहा है यार, लेकिन ठंड में मजा तो आ रहा है, लेकिन वही है मेन गीजर काम नहीं कर रहा है प्रॉब्लम। अगर गीजर काम कर जाए ना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी बाहर दिखाता हूँ, बर्फ जो पड़ रहा है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आपको स्नोफॉल नहीं, स्नोफॉल हो रखा है, ये देख रहे हो। उस टाइम तो मैंने गलती से बोल दिया कि स्नोफॉल हो रहा है, बट स्नोफॉल हो नहीं रहा है, यहाँ पे स्नोफॉल हो रखा है। और यहाँ पे देखो बादल,
इसका तो हमने सिनेमैटिक्स देख ही लिया होगा, और उधर का व्यू देखो थोड़ा सामने का भाई, हवा चल रहा है मतलब हाथ में ठिठुर रहा है वो बहुत ज़्यादा। ठंड कैसा लग रहा है दोस्त? व्यू भी इधर आइएगा ना, ये देखो इधर ये सब अभी आर्मी टैंक सब जा रहे हैं उधर। दिखाना तो नहीं चाहिए, तुमने गलती से दिखा दिया तो थोड़ा ऑफ कर देना। और ये देखो पूरा ऊपर बर्फ, और ऊपर से थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है ना, जिसके कारण से वो चमक रहा सामने, और सामने वाले जो थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। कैसा लग रहा है ठंड का भैया? इतना पहनने के बाद भी हालत खराब, हाथ का कैसा लग रहा है? ठंड में मजा आ रहा है? मैं कप कप की पकड़ लिया सबको। तीन पैंट पहने हुए हाफ ट्राउजर पे जींस। अरे गेट बंद करो सब, जींस लगे। अच्छा ठीक ठीक ठीक, हम जा रहे हैं बाहर, हम बाहर जा रहे हैं। रुको ठीक है, अभी ड्राइवर को आने देते हैं प्रवीण भैया को, फिर बात। सर्दी हो गया भाई, इतना ठंड है ना, सर्दी हो गया। पीछे से भी एक रूम यहाँ पे नीचे था जिसमें हम और डूडू भैया सोते, तो उसमें डूडू भैया लोग ना थोड़ा सा चेंज करके रखा गया। ये देखो सभी लोग आ रहे हैं, अभी हम लोग डाइनिंग एरिया आ चुके हैं। प्रॉपर ये रहा डाइनिंग एरिया, इसके अंदर पूरा खाना वगैरह मिलेगा, इसी के अंदर पूरा खाना मिलेगा। और ये किचन है, और इधर टॉयलेट था, ये रहा टॉयलेट। ओ भाई देख लो भाई। चलो अभी फिर ना उनको आने देते हैं, ऐसे तो ना अभी तो ब्रेकफास्ट में मिलेगा हम लोग को ब्रेड जैम और चाय, तो बस दिखाना क्या है बस वही। तो फिर अभी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। हम लोग होटल से निकल चुके हैं और सभी लोग गाड़ी के अंदर, और एक्साइटमेंट लेवल बढ़ चुका है। ग्लव्स मैंने तो ये ग्लव्स बाय कर लिया, और ये जैकेट रेंट कर लिया सिर्फ। और ये देखिए सिर्फ, यो ब्रो काफी ठंडा है। यस थोड़ा खफा खफा लग रहा है हम लोग से। उधर देखो साइड में नदी बह रही है, देखो नीचे, देखो नीचे नदी बह रही है। गप्पू भैया एक घंटे ऐसा लग रहा है, अरे चश्मा उस्मा ला के साउथ के विलन बनल है, क्या बात है। और प्रवीण भैया कैसा लग रहा है? चलिए एक्साइटमेंट है, चलो अभी ऊपर चलते हैं क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और ये विंडो मैंने डाउन कर रखा है, तो मेरी थोड़ी नीचे से फट रही है, तो क्या करूं मैं, थोड़ा बंद कर लेता हूं विंडो और ऊपर चलते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर चलते हैं जैसे जैसे, और थोड़ा थोड़ा सिनेमैटिक्स आप लोगों को दिखाते हुए चलता हूं। कुछ इंटरेस्टिंग देखो, ये बात पावर नहीं था, अरे पावर तो इसके अंदर है। वो देखो ऊपर स्नोफॉल हो रखा है, सामने देखो पहाड़ी पे, उधर देखो वो देखो स्नोफॉल जो हो रखा है ना गाइस, सेक्सी स्नोफॉल, थोड़ा तो स्नोफॉल हो रखा है, हो नहीं रहा है स्नो। और गेटअप ये है देखो, अरे और ये देखो हमको नहीं लिए ब्रो ब्लॉग में आप, अरे ले लीजिए आइए ना, अभी आइए। अरे 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 आपका स्मार्ट वॉच ये रहा, हम पहन लेते हैं अभी थोड़ा देर में, रख ले रहा ना कुछ। और ये पूरा आर्मी का कैंपिंग वाला एरिया, तो अभी बंद। अरे चुप ना, दिन खराब करना, खाली लड़ता है साला गेंडा आगे वाला, सेठ लेखा बैठिए आगे खाली लड़ते जा रहा है पूरा ब्लॉग में। आप देखो सबसे लड़ा है साला मुटका गेंडा हाथी साला, अभी देखो ये रहा यूथन वैली, हम लोग पहुँच गया। उधर पूरा आर्मी का रेक्सिक्यूट किया था, तो ब्लॉगिंग बंद था, यही है फिलहाल। अभी पानी तो चंबा हुआ है, देखो पूरा थोड़ा छोटी रखिए। एक बार एक ना,
ऑफ-रोडिंग का मजा लेते हुए हम लोग करीबन 2 किलोमीटर से हम लोग 0 पॉइंट जा रहे थे। 2.5 घंटा का टाइम था, मैं सो गया था, अभी उठा हूँ ब्लॉगिंग के साथ, और पूरा रेस्ट्रिक्टेड एरिया था तो उधर ब्लॉग ही नहीं किया। सो प्लीज, और क्योंकि देखिए मुझसे बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जो लोग नहीं करते यहाँ पर ब्लॉग, और मैं तो अभी ब्लॉग में ब्लॉगिंग का जो 100% उन लोग अचीव कर चुके हैं, और मैं तो अभी 0.1% अचीव किया, वो भी नहीं किया, मुझे तो ये लगता है वो भी नहीं किया, तो क्या करूँ। अभी तो मैंने बनाया ही नहीं उधर आर्मी को, अभी थोड़ा प्राइवेसी रखना चाहिए अपनी इंडिया इंडियन आर्मी का। अभी बस ये देखो ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते हुए जा रहा हूँ, हो रखा है अच्छे खासा, और ठंड से तो हाथ देखो, और सभी लोग मस्ती करते हुए देखो पहाड़ को भी इन लोगों ना कचरा कर रहे हैं। अब बोतल जो कैरी कर रहे हो उसे रख, मतलब क्यों फेंक रहे हो बाहर में, उसे कैरी करो ना नीचे डस्टबिन, अगर ऊपर ही डस्टबिन है ऊपर डालो या फिर नीचे डालो। आप लोग इसे देखो यहाँ, अरे यार हो रहा था तो कम से कम पहाड़ को तो गंदा ना करो, यही तो बचा हुआ है। अब थोड़ा सा देख लो तो फिर 0 पॉइंट पर जाके, क्योंकि उम्मीद ही मत रखो यार, हाँ काम नहीं कर रहा हम लोगों ने, तो ऐसे सबने क्या बोलते उसे जैकेट लिया था वहाँ पर नीचे रेंट पे, बट कुछ लोग नहीं लिए कुछ लोग लिए। चलो अभी फिर 0 पॉइंट पर बात करते हैं। यहाँ का व्यू देखो आप लोग, हवा बहुत, यहाँ पे हाथ काम नहीं कर रहा, मतलब जो बोलते हैं वो लोग नीचे दिखाऊँ, हम लोग वहाँ से चढ़ के ऐसे ऊपर आ गए, और ये देखो भाई व्यू है जो ना यहाँ का, हवा हवा बहुत चल रहा है, हवा बहुत है, सांस फूल गया इतना में। यहाँ पे रील्स वगैरह बनाते हैं जैसे हमने परफॉर्म किया, फोटो खींचने के लिए आए थे। थोड़ा व्यू यहाँ पे कैड़ा व्यू आ रहा है इधर से देखो, ओ माई गॉड सेक्सी सा व्यू है। हाँ यहाँ का ये कुछ रिचुअल है, और भैया अभी इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे ये रहा फोन, आपको जिसको जो विश मांगना है हाँ जल्दी से मांग लो। हाँ ठीक है, अब बताना नहीं है इसको, मैलेवलेंट श्राइन बोलते हैं। अच्छा, किसी भी तरह के बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का थोड़ा बहुत डिपिक्ट करता है। अच्छा, फेंकना भी होता ना? फेंकना नहीं होता। अच्छा, बहुत ठंड है भाई यहाँ पे, यहाँ पे 74 हो जाएगा अगर किसी का। हाँ ठीक है, ओ भाई गहरा व्यू, मॉनेस्ट्री है समझा, जिसको कि गुड लक के लिए ऐसे बनाते हैं पत्थर के ऊपर पत्थर रख के। अच्छा, ये पूरा में बना हुआ है, देखो पूरे में बना हुआ यही। बहुत ठंड है यहाँ तो, कुछ कम है ना नीचे हवा अभी, और नीचे इतना ऊपर बहुत ज्यादा है, वहां पे जहाँ पे फ्लैग था। रुक जाइए, दी नहीं आ रही है, वहां पे पानी भी है, पानी के पास चलिएगा, गरम गरम पानी है सारी, हॉट स्प्रिंग है। हाँ बोलना भूल ही गए थे हम लोग, तो हॉट स्प्रिंग के पास ही रुके थे यहाँ पे, और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से 0 पॉइंट, बहुत देर से यहाँ पे हम लोग रुके हुए, स्टॉप है यहाँ पे तो रुके हुए। ठंड भाई यहाँ पे तो नीचे कुछ कम लग रहा है, यहाँ तो गर्म गर्म जैसा कुछ फील हो रहा है, बट नीचे जो था ना भाई, इधर किधर से चलिएगा, इधर वहाँ से चलिए बर्फ के पास से, वहाँ पे वैसे वहाँ से पहाड़ से नीचे छोटा छोटा। क्या हुआ? चलो तो पूछ के आते हैं, चलिए नीचे से बोल, चलिए ना ग्रुप फोटो ले लेते हैं। हाँ बस बस यही है, एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं सब कोई, ऊपर ही चल आते ना तो ग्रुप फोटो हो जाता। यारे वहाँ पे भी है, ये देखिए ये भी तो रहा है ना, बाप रे पूरा एकदम गरम गरम, ऊपर तो गरम गरम लग रहा था, और अभी सभी लोग ग्रुप फोटो ले लेते हैं, और उसके बाद सर्दी हो गया इसको इग्नोर कर देना थोड़ा सा, ठीक ना। अभी ग्रुप फोटो ले लेते हैं, और भैया का जो फील है ना, तो अभी आप लोग के साथ मन लग रहा है या नहीं? क्या मन लग रहा है? बहुत मन लग रहा है, लेकिन अभी वो रात को ज्यादा को लिया था, वो सर दर्द कर रहा है भैया को, हैंग ओवर हो गया है,
अभी चलो ग्रुप फोटो निकाल लेते तो उसके बाद हम लोग यहाँ से हॉट स्प्रिंग के लिए ही ऊपर आए थे ऑफरोड करके, अब हम लोग यहाँ से निकल गए। बट भाई जो मजा आया ना, और यहाँ पे जो भैया ने समझाया हर्ष भैया ने कि वो जो मन था वहाँ पे जो हम लोग थे फ्लैग के पास, भाई वहाँ पे जो मजा आ रहा था ना फ्लैग फ्लैग का ना, मतलब एक मतलब अजीब सा वाइब आता, वाइब इतना अच्छा वाइब आता है ना कि पूछो मत। तो अभी कॉपीराइट का इशू है थोड़ा समझो।